गाइस तो हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था ये मैट्रिसेस, क्लास 10th ICSC का चैप्टर नंबर 9 है हमारा ये। सेलिना कौन सा इस बुक है हमारी ये, ओके, ये लेटेस्ट बुक है हमारी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में यहाँ पर 9C तक कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम 9D को करेंगे। अगर आपने 9C वाले लेक्चर्स या फिर उससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, और हमारे अदर वीडियोज़ के प्ले लिस्ट, उसके भी लिंक आपको क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। हमारे वीडियो लेक्चर में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा। हम सभी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन कराते हैं आपको, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9D है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन किया है कि फाइंड एक्स एंड वाई इफ़। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपका कोई छोटे भाई बहन है, उनके लिए भी हमने क्लास 9 का कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिसमें भी हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन कराया, ओके, विद सॉल्यूशन कंप्लीट, ओके। तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हो, अगर आपके कांटेक्ट में कोई आपका छोटा भाई बहन फ्रेंड है तो आप उसको बता सकते हैं, ओके। तो हमने सेलिना बुक के ही सभी क्वेश्चंस कंप्लीट अपलोड किए हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन पर है, कह रहा है कि फाइंड एक्स वाई इफ़। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 - 1 - 2 4 एंड 2x 1 +2, और यहाँ पर ये -4 एंड 5, और ये हमारा कितना है 4, और ये 2 एंड वाई। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल हम इसको सोल्व करेंगे। पहले सोल्व करेंगे, सिंपल कैसे करते हैं सोल्व, तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप बताओ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो हम सबसे पहले इनका ऑर्डर देखेंगे। इसमें 2 रोज़ हैं एंड 1 कॉलम है। अंदर वाली वैल्यू देखते हैं, इक्वल होनी चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और बाहर वाली वैल्यू होती है वो डिसाइड करती है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ओके। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा हमारा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, देखो जैसे हम क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ पर लिखते ही सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सोल्यूशन लिखना है, और आपको सही से प्रॉपर वे में करना है इसको। तो यहाँ पर जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, 2 × 1 की होगी। 2 × 1 की मीन्स कि उसमें 2 रोज़ होंगी और 1 कॉलम होगा, मींस 2 रोज़ होगी और 1 कॉलम होगा। इसका मीन्स इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होंगे। एक होगा हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11, एक होगा हमारा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A21। अब इनको फाइंड कैसे करते हैं हम, A11 फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, रो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की और कॉलम सेकेंड वाले मैट्रिक्स का हमेशा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 3 × 2x हो जाएगा 6x, 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस 2 × 1 2 होगा लेकिन माइनस का 2 आएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस का 2 है तो माइनस का 2, एंड फिर अगेन हमारा 2 × 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो -1 × 2x -2x, फिर प्लस 4 × 1 4, प्लस करेंगे इसमें हम किसको, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × -4 -8, और ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, ओके। फिर इक्वल्स टू 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 2 = 8, और 4 × y 4y। अब इनको क्या करेंगे हम, इनको क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम। कैसे, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को प्लस करेंगे कैसे, 6x प्लस माइनस -2, और ये प्लस माइनस, ये भी माइनस का 8, ये एक मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी, क्योंकि हम इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को प्लस कर रहे हैं A11 को A11 के साथ, क्योंकि इसका भी सेम ऑर्डर है, इसका भी सेम ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर वाले ही प्लस होते हैं हमारे। तो हमने किया था एडिशन में कि सेम ऑर्डर होना चाहिए अगर हम उनको प्लस या माइनस कर रहे हैं। तो ये एक ही एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ प्लस किया हमने, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ प्लस करेंगे तो कितना आएगा, -2x +4 और +10 इक्वल्स टू कितना हमारा 8 × 4y। अब इन दोनों वैल्यूज़ को 6x माइनस 2 8 कह रहे हैं, सॉरी 2 और 8 10 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सिंप्लीफाई किया हमने इसे, यहाँ -2x है, 2x ही रहने देंगे इसे हम, और ये प्लस 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 हो जाएगा, प्लस का 14, और इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 8 × 4y के। तो अब इसको कंपेयर करेंगे हम, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो 6x -10 किसके इक्वल होगा, ये हमारा, ये होगा हमारा 8 के इक्वल। तो इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कैसे, 10 इधर आएगा तो प्लस का 10 और ये प्लस का 8, तो 6x कितना हो जाएगा हमारा 18, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 18 / 6 कितनी, 3, x की वैल्यू 3 हो गई। नाउ अब हम ये जो इक्वेशन है हमारी -2x +14 ये किसके इक्वल हो जाएगी हमारी 4y के, नाउ एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं 3 + 14 = 4 वाई। तो यहाँ पर आप इनको नेमिंग भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट लग लो आप और इसमें कह दो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर करेंगे -6 और + 14 = कितना 4y। माइनस प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा लेकिन आएगा प्लस का 8 क्योंकि प्लस का 14 ग्रेटर है। ओके तो यहाँ 4y और y की वैल्यू कितनी जाएगी 4 से कैंसिल करेंगे तो 2y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो x की वैल्यू आ रही है 3 और y की वैल्यू आ रही है 2। सिंपल क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट करेंगे इसमें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास क्या है, कह रहा है कि फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो। इसमें भी तो इसमें भी कुछ मैट्रिक्स गिवन किए हैं हमें 3x 8 और यहाँ पर कितना 1 3 4 7। ओके इसको किसके साथ -2 × -7 और ये 5 और ये 3 और 2y। ओके ये है हमारे पास 3x 8 1 3 3x 8 1 3 4 7 -3 2 -7 5 3 × 2y। ओके तो इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनकी मैट्रिक्स को माइनस करके इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। सिंपल तो पहले इनको प्रोडक्ट करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं फिर प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन डिवाइड तो हम इसमें करते नहीं तो हम इसमें प्रोडक्ट करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 2 × कॉलम। सबसे पहले बताओ ये इसमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर की होगी, क्योंकि उसी से तो पता चलेगा कि हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसी बननी होनी चाहिए। तो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की बनी होनी चाहिए क्योंकि तभी ये इसके साथ हमारा क्या होगा माइनस होगा। तो ये क्या है हमारे पास, इसमें 1 रो है एंड 2 कॉलम है, इसमें 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम है। तो ये 2 और 2 हमारा क्या होगा, ये इक्वल है हमारा, इसका मीन्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल और रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी क्या होगी 1 × 2 ऑर्डर की होगी। 1 × 2 मतलब जैसा ये है हमारा, जैसा ये वाला मैट्रिक्स है, जैसे ये वाला मैट्रिक्स है 1 × 2 ऑर्डर का। ओके तो इस टाइप की हमारी मैट्रिक्स होगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स, मीन्स उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, एक यहाँ पर पुट होगा एक यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल सेम इसी टाइप की मैट्रिक्स होगी। इस वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं A11 बोलते हैं A11, लेकिन इस वाले एलिमेंट को क्या बोलेंगे A12 बोलेंगे। क्यों A12 क्यों बोलेंगे इसे, क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का एलिमेंट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। इस A11 को फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x को 1 से 3x प्लस 8 को 3 से 24। ओके फिर यहाँ पर A12 फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x और प्लस 8 को 7 से करेंगे तो 56 माइनस, फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 3 × 2 = 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 7 = 21 माइनस का 21। ओके ये हो गया हमारा और ये किसके इक्वल होगा 5 3 × 2y के। इसको अब हम इसके इन दोनों को माइनस करेंगे, इस A11 को A1 के साथ माइनस करेंगे तो 3x + 24 और माइनस का 6, फिर यहाँ पर 12x + 56 12x + 56 और फिर माइनस माइनस प्लस का कितना माइनस माइनस प्लस का कितना 21। ये हो जाएगा और ये किसके इक्वल होगा 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 5 3 = 15 और 5 2 10y। ओके ये हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x 24 - 6 कितना हो जाएगा प्लस का ये हो जाएगा 18, फिर ये 12x और ये 56 + 21 तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 6 + 1 कितना 7 और 5 और 2 कितना 7। ये किसके इक्वल हो जाएगा 15 और 10y के। नाउ अब हम क्या करेंगे 3x + 18 किसके 15 3x + 18 किसके इक्वल 15 के एंड 12x + 77 किसके इक्वल 10y के। अब हम x की वैल्यू अगर इसमें से फाइंड करें तो कितनी आ रही है 15 और -18 हो जाएगा प्लस का 18 इधर आकर माइनस का 18 3x = किसके इक्वल हो जाएगा -3 और x की वैल्यू हो जाएगी -3 ÷ 3 तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 के। अब यहाँ पर ये x की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर देंगे हम प्लस 77 इक्वल्स टू 10y। तो 12 माइनस का 12 प्लस 77 इक्वल्स टू 10y। माइनस का 12 प्लस 77 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। 7 माइनस 2 5 और 7 माइनस 1 6। तो ये जाएगा 65 इक्वल्स टू 10y। तो ये 10 से डिवाइड करेंगे, अगर हम इसे 10 से डिवाइड, यहाँ पर हो गया ये हमारा 60 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू वाई। 10 से डिवाइड किया तो आएगा माइनस का 6.5, क्योंकि 10 से डिवाइड करें तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा सिंपल। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी माइनस में। ये माइनस में नहीं आएगी, वैसे प्लस में आएगी, क्योंकि प्लस का 77 ग्रेटर है तो प्लस की वैल्यू आएगी, तो इसलिए आएगा प्लस का 6.5 सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। नेक्स्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन किया है, इसने कहा है कि एक्स और वाई की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है 25 के, और यहाँ पर माइनस एक्स वाई की मल्टीप्लाई 2x वाई के, और ये माइनस 2 के इक्वल है। फाइंड एक्स वाई। इफ़ फर्स्ट वाले में कह रहा है कि इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स करने चाहिए होल नंबर्स में। सेकंड में कह रहा है कि एक्स वाई बिलोंग करें किससे, अगर एक्स वाई बिलोंग करें इंटीजर से। तो हम इसको करते हैं एक्स वाई, और यहाँ पर भी हमारा कितना है एक्स वाई, और ये किसके इक्वल दिखा रखा है इसने 25 के। अगर हम इसे सोल्व करें तो देखो ये हमारी 1 into 2 की मैट्रिक्स है, ये भी हमारी ये 2 into 1 की मैट्रिक्स है। 2 2 इक्वल है 1 1, तो इसका मीन्स हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो 1 into 1 ऑर्डर की होगी, मीन्स उसमें एक ही एलिमेंट होगा। 1 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, और क्या करेंगे हम रो इंटू कॉलम से उसे फाइंड करेंगे। तो रो इंटू कॉलम करेंगे, अगर हम एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस वाई को वाई से करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ओके, ये हो गया हमारा। तो हम इसमें कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल 25 के इक्वल। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर ऐसी है हमारे पास क्या, माइनस एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे किससे हम 2x और y से, तो किसके इक्वल होगा माइनस 2 के। अब इसमें भी हम वही है, बिल्कुल सेम है हमारे, तो ये भी हमारी एक ही एलिमेंट देगी, एक ही एलिमेंट होगा इससे भी हमारा, और वो कितना होगा माइनस एक्स और 2x। माइनस एक्स और 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, प्लस वाई और वाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा -2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2। अब ये कह रहा है कि फाइंड एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड कर सकते हैं वैसे एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। और इसमें कह रहा है कि कैसे फाइंड करने की, इफ़ फर्स्ट वाले केस में कि एक्स वाई होल नंबर्स हों, और सेकंड में कह रहा है कि एक्स वाई इंटीजर्स हों। ये दोनों इक्वेशंस हैं हमारे पास, तो इनका यूज़ हम कैसे करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लो, इसमें पुट कर लो, या फिर यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लो, इसमें पुट कर लो। तो जैसे अगर हम इसमें करें कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 और -2x इधर आकर प्लस 2x स्क्वायर कर दें। ओके, अब इस वाई स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पर, पुटिंग द वाई स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू होगी हमारी -2 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस -2 और ये प्लस का 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर और -2 इक्वल्स टू 25। ये 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस ये प्लस 2 हो जाएगा। 3x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 3x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारे 27 के। 3 से डिवाइड कर देंगे 3 9 से 27, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9, और x यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आती है तो वो क्या आती है हमारी प्लस माइनस में 3 आएगी, प्लस माइनस में 3। क्यों, क्योंकि इस 9 को ब्रेक करके हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 3 into 3 तो +3 आएगा, और इस 9 को ब्रेक करके इस टाइप से लिख सकते हैं -3 into -3। क्यों, क्योंकि -3 into -3 +9 होगा, 3 into 3 +9 होगा। और ये स्क्वायर हट के स्क्वायर रूट क्यों आता है, स्क्वायर हट के स्क्वायर रूट इसलिए आता है, इस बात को भी समझ लेते हैं हम। यहाँ पर 9 था, हम क्या कर रहे हैं, हम बोथ साइड पावर 1/2 ले रहे हैं, बोथ साइड पावर क्या ले रहे हैं 1/2, और आप ऐसा कर सकते हो, इससे वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो बोथ साइड पावर 1/2। जैसे आपको एक एग्जांपल दें कि इधर भी 5 है वो 5 के इक्वल है, अगर आप इनके ऊपर स्क्वायर कर दें तो इसकी वैल्यू दोनों तरफ इक्वल ही रहेगी, 25 अभी 25 रहेगा, पावर हाफ कर दें बोथ साइड, अगर आप कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो वैल्यू सेम रहती है। इसी टाइप से हमने देखो इस पर पावर हाफ यूज़ की, तो यहाँ पर एक्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ तो एक्स रहेगा, लेकिन पावर हाफ का मीन्स क्या होता है, पावर हाफ का मीन्स ही तो स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पर इसलिए रूट आ जाता है। ओके, ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो सभी चीज़ें रटनी नहीं है, उनको समझना भी है आपको। तो ये x की वैल्यू क्या हो गई हमारी प्लस माइनस थ्री, मीन्स x की वैल्यू दो आ गई यहाँ पर, क्या एक प्लस थ्री एक माइनस थ्री। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं प्लस वन लेते हैं, इफ़ x इज इक्वल्स टू प्लस थ्री, देन y की वैल्यू क्या होगी, आप y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, या फिर इस x की वैल्यू को यहाँ भी पुट कर सकते हो, तब भी आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यहाँ माइनस टू प्लस टू एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस टू प्लस टू, और x की वैल्यू अगर आपने थ्री ली है तो कितनी आ रही y की वैल्यू माइनस टू प्लस थ्री, थ्री ज़ा नाइन, नाइन टू ज़ा एट्टीन, तो यहाँ कितनी आ रही है y की वैल्यू माइनस टू प्लस एट्टीन हो जाएगा सिक्सटीन, और सिक्सटीन फिर इसमें भी हम पावर वन बाई टू लेकिन बोथ साइड, तो इधर रूट आ जाएगा हमारा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा y की वैल्यू प्लस माइनस फोर हो जाएगी इस बार, क्योंकि इसे हम प्लस फोर, फोर इंटू फोर या माइनस फोर इंटू फोर कह सकते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। तो y की वैल्यूज़ ये आ रही है हमारी। और अगर हम क्या लेते हैं x की वैल्यू माइनस थ्री लेते हैं, तब हमारी y की वैल्यू क्या डिफरेंट आएगी, नहीं, तो भी हमारी y की वैल्यू सेम आएगी। क्यों, देखो आप ये आप माइनस टू अगर हम इस वाली इक्वेशन से फाइंड करें, इससे भी करोगे तो बिल्कुल सेम यही वैल्यू आएंगी हमारी। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पुट करते हो, एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू माइनस थ्री या प्लस थ्री पुट करोगे तो नाइन आएगा, नाइन इधर आकर माइनस हो जाएगा, यहाँ सिक्सटीन हो जाएगा, वाई स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट सिक्सटीन की वैल्यू प्लस माइनस फोर आएगी। किसी से भी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर ही इक्वेशन हम लेंगे, तो कोई भी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस टू, और यहाँ पर ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है माइनस थ्री, लेकिन ये माइनस थ्री का स्क्वायर जो होता है हमारा वो भी हमारा प्लस होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये नाइन, और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस एट्टीन, और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिक्सटीन, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट सिक्सटीन, और वाई की वैल्यू जाएगी प्लस माइनस फोर। इसका मीन्स यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ रही है हमारी। तो लेकिन फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसने कहा है कि एक्स और वाई किससे बिलोंग होने चाहिए हमारे, एक्स और वाई हमारे किससे बिलोंग होने चाहिए होल नंबर से। तो अगर ये होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो सिर्फ होल वाली वैल्यू ही लेंगे हम। तो क्या लेंगे फर्स्ट वाली कंडीशन में, एक्स की वैल्यू प्लस थ्री लेंगे, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि माइनस होल नंबर में नहीं आते। वाई की वैल्यू क्या लेंगे, सिर्फ प्लस फोर लेंगे। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी हमारी प्लस फोर और माइनस, एक्स की वैल्यू कितनी थ्री और वाई की वैल्यू प्लस फोर। ओके, लेकिन सेकंड वाले में हम दोनों वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड वाले कंडीशन में इसमें कहा है कि दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और इंटीजर प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, इसलिए एक्स की वैल्यू हमारी प्लस माइनस दोनों ही हो सकती है, प्लस की थ्री और माइनस थ्री की, माइनस की थ्री भी हो सकती है, और ऐसी प्लस की फोर और माइनस की फोर भी हो सकती है। ओके, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर फोर में, ये आपको गिवन किया है क्वेश्चन, और इसने कहा है कि इसका ऑर्डर बताना है मैट्रिक्स एक्स का, और इसका मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ये वाले क्वेश्चन भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। जैसे मैट्रिक्स एक्स है, अब हमें इसका ऑर्डर नहीं पता क्या है, कैसे बताते हैं इसका ऑर्डर, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इसने ये दोनों मैट्रिक्स दिए, इनका प्रोडक्ट इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। इसका मीन्स इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना होना चाहिए, टू इंटू वन होना चाहिए। क्यों, टू रोज़ है इसमें और वन कॉलम है, टू रोज़ और वन कॉलम। ओके, तो टू इंटू वन की मैट्रिक्स है, इसका मीन्स इनको भी मल्टीप्लाई करके टू इंटू वन की मैट्रिक्स बननी चाहिए, और वो बनेगी कैसे अब आपकी, तो जब हम टू इंटू टू, और यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इसमें ले लेते हैं इसे आर और सी, रो इंटू कॉलम, तो देखो ये वाली वैल्यू हमेशा इक्वल होनी चाहिए तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। इसका मीन्स आर की वैल्यू तो आ गई हमारे पास टू, फिर ये हमारे पास क्या हो गई, ये अगर टू है तो ये वन होनी चाहिए तभी ये टू इंटू वन की मैट्रिक्स बनेगी। तो इसका मीन्स सी की वैल्यू आ गई वन, इसलिए ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम। तो ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास, सिंपल टू इंटू वन। इसका क्या हो गया, सॉरी, तो इसका भी हमारा क्या हो गया, टू इंटू वन हो गया, क्योंकि इसका आर टू है और सी वन है, तो टू इंटू वन ऑर्डर हो गया। इसमें हम एक्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सिंपल, देखो हमने इसका ऑर्डर फाइंड किया, अब इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसमें हम एलिमेंट ऐड कर लेंगे कि अगर ये टू इंटू वन की मैट्रिक्स है हमारी, टू इंटू वन की मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके की दिखेगी, और उसमें टू ही एलिमेंट होंगे जैसे इसमें, तो हम उनके एलिमेंट्स को नाम देते हैं एक्स और वाई। बस अब तो आप कर लोगे सिंपल। तो बस आपको यही करना है कि सबसे पहले आपको ऑर्डर फाइंड करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट लेट करने हैं। अब जिस रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी ये हमारी क्या होगी, ये हमारी बिल्कुल सेम इसी ऑर्डर की होगी, जिसमें हमारे पास क्या होंगे, जिसमें हमारे पास टू रोज होंगे वन कॉलम होगा। तो ये वाला जो एलिमेंट है a11 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो टू इंटू एक्स टू एक्स प्लस वन इंटू वाई वन वाई। फिर ये वाला एलिमेंट A21 फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये क्या होगा हमारा A21, क्योंकि ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह हो जाएगा -3x प्लस 4 × y 4y, ये क्या हो जाएगा हमारा किसके 7 और 6 के। अब यहाँ पर इक्वल लेंगे हम 2x प्लस वाई किसके इक्वल 7 के, तो यहाँ पर एंड -3x प्लस 4y किसके इक्वल 6 के। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है आपको, और आप इसको कर लोगे सोल्व। कैसे? या तो आप इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 4 हो जाएगा, या फिर आप सिंपल y की वैल्यू यहाँ से पुट करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो। ओके, तो यहाँ पर y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्या है y की वैल्यू 7 माइनस, यहाँ 4 बाहर रहेगा और 7 वाई की जगह क्या हो जाएगा 7 - 2x इक्वल्स टू 6। तो ये हो जाएगा हमारा -3x, और ये 4 × 7 = 28, और ये -4 × 2 = 8x इक्वल्स टू 6। 3x 8x - 11x प्लस 28 इक्वल्स टू 6। अब 28 इधर आएगा हमारा, कितना हो जाएगा ये 6 - 28। 28 माइनस करोगे आप 6 में से, सॉरी 6 माइनस करोगे 28 में से, तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा माइनस का कितना, वैसे हम 6 में से ही माइनस कर रहे हैं क्या 28, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 माइनस कर देंगे 28 में से तो 22 आएगा, लेकिन माइनस का 22 आएगा क्योंकि माइनस का 28 ग्रेटर है। माइनस से माइनस कैंसिल, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 × 2 = 22, एक्स की वैल्यू 2 आ गई सिंपल। अब यहाँ से हम वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 7 - 2, 2 की जगह एक्स की जगह पर 2, तो y इज इक्वल्स टू कितना 7 - 4, और y की इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 - 4 5। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो ये सिंपल हमारे पास क्या हो गया 2 और 5 हो गए, लेकिन इसमें 2 और 3 आएगा ना, 7 - 4 3, और ये मैट्रिक्स जो होगी हमारी, जो मैट्रिक्स होगी एक्स, वो कैसी होगी हमारी कुछ इस तरीके की दिखेगी 2 × x, क्योंकि वो इस टाइप की होगी हमारी मैट्रिक्स। एक्स और वाई ऊपर नीचे रखे होंगे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 और वाई की वैल्यू 3 रखेंगे, यहाँ पर वाई की वैल्यू रखनी है यहाँ पर, तो ये 2 और 3, तो कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स मिलेगी आपको 2 और 3। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इवेल्युएट दिस, इसको इवेल्युएट करना है। तो सिंपल ही ऐसे क्वेश्चन है जैसा भी हमने 30 क्वेश्चन किया था इस एक्सरसाइज 9C में। तो इसमें भी हम वैल्यूज़ को रख लेंगे यहाँ पर इनकी, और इसको सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास ए, ये मैट्रिक्स है कोस 45, और है हमारे पास साइन 30, यहाँ पर है √2 कोस 0, और यहाँ पर है साइन 0। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, साइन 45 और साइन 90, यहाँ पर कोस 90 और यहाँ पर कोट 45। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम कैसे, पहले इनकी वैल्यू रख लेते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है, इसके लिए चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक दे देंगे हम। तो कोस 45 कितना होगा, कोस 45 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये √2, कोस 0 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगी वैल्यू, साइन 0 0। इसमें अगर हम देखें साइन 45 1/√2, कोस 90 कितना होता है 0, साइन 90 होता है 1 और कोट 45 होता है 1। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो वैल्यूज़ हमें याद हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो याद भी नहीं हो रही है अगर आपको ये वैल्यूज़, तो आप सिंपल चार्ट बनाना सीख लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है कैसे चार्ट ड्रॉ करते हैं, तो आप उससे सीख सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल हमारा कि कैसे हम स्टैंडर्ड एंगल्स का चार्ट ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं हम। तो वैल्यूज़ आपको सिंपल लर्न भी हो जाएंगी वो हमारी। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है दोनों, तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी हमारी 2 × 2 ऑर्डर की ही बनेगी। इसमें भी 4 एलिमेंट्स होंगे। A11 होगा जिसको हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके लेके आएंगे। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट से, तो 1/√2 और 1/√2 हो जाएगा। क्यों? वन अपॉन रूट टू इंटू वन अपॉन रूट टू। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले के ऊपर में मल्टीप्लाई, नीचे वाले के नीचे में, रूट टू टू हो जाएगा वन अपॉन टू। फिर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे वन अपॉन टू की, वन से करेंगे तो वन अपॉन टू ही आएगा। क्यों? वन अपॉन टू इंटू वन करेंगे अगर हम, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन ले लेंगे, तो ऊपर वाली ऊपर से, नीचे वाली नीचे से, तो वन अपॉन टू ही आएगा सिंपल। अब ये वाला एलिमेंट ए, इसे वन टू कहते हैं, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम लेंगे इसमें, तो वन अपॉन टू की ज़ीरो से करेंगे तो ज़ीरो, प्लस वन अपॉन टू की वन से करेंगे तो वन अपॉन टू। फिर ए टू वन फाइंड करने के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे हम, तो रूट टू को वन अपॉन रूट टू से करेंगे तो सिर्फ वन आएगा। रूट टू को, क्योंकि रूट टू इंटू वन रूट टू है, रूट टू को वन अपॉन रूट टू से करेंगे तो सिर्फ वन ही तो आएगा। फिर प्लस जीरो को वन से करेंगे तो ज़ीरो। फिर यहाँ पर ए टू टू फाइंड करने का सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो रूट टू को जीरो से करेंगे तो ज़ीरो, प्लस जीरो को वन से करेंगे तो ज़ीरो। तो सिंपल ये हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी क्या, वन अपॉन टू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, हाफ और हाफ वन ही तो हो जाएगा। कैसे? आप इनको एलसीएम लेकर भी कर सकते हो कि टू और टू का एलसीएम टू, वन और वन टू, टू डिवाइड बाई टू वन। यहाँ पर कितना जाएगा वन अपॉन टू, और ये वन और ये जीरो, प्लस ज़ीरो ज़ीरो। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, फाइव है। तो यार ये वन अपॉन वन वन, वन अपॉन टू और ज़ीरो, इस वन अपॉन टू को 0.5 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हो। ओके सिंपल ये हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है कि ए बी की वैल्यू दी है थ्री, ए इंटू एम इजिकल्स टू बी, तो फाइंड मैट्रिक्स एम। इसमें मैट्रिक्स एम फाइंड करनी है, एम की वैल्यू सिंपल हम फाइंड करेंगे। तो इसमें भी हमें पहले ऑर्डर फाइंड फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम इसको बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड में जाएगी, और डिवाइड हमने सीखा नहीं है टू मैट्रिक्स का। कैसे? देखो अभी इस बात को समझाते हैं कि कैसे क्या नहीं कर सकते हम। जैसे हमने ये वाले जो क्वेश्चन किए थे, इस बार ये जो क्वेश्चन किया था, इसमें हम डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकते थे, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में लेके आते, लेकिन टू मैट्रिक्स को डिवाइड करना हमने नहीं सीखा, इसलिए ही हमने ऐसा नहीं किया है इसमें, इसलिए हम इसको डिवाइड में नहीं लेके आए, इसलिए हमने इसका ऑर्डर फाइंड किया, तब इसकी वैल्यू रखी, और ऐसे हमने इसको फाइंड करना पड़ा हमें। ओके आगे 11th क्लास में जाओगे तो हम इसका इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे, इन्वर्स से भी ये वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। ओके लेकिन अभी हमें ऐसे नहीं करना है, अभी हमें इसको डायरेक्ट करना है। ए की वैल्यू है हमारे पास क्या, ये आगे ए की वैल्यू जीरो फोर माइनस वन माइनस थ्री, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस फाइव सिक्स, ओके माइनस फाइव एंड सिक्स बी की वैल्यू। नाउ अब हम करेंगे इसमें क्या, ए और बी में सिंपल हमें क्या कह रहा है कि ये एंड थ्री इंटू थ्री ए इंटू एम किसके इक्वल है, टू बी के इक्वल है, तो फाइंड मैट्रिक्स एम की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ओके तो ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले बताओ मैट्रिक्स एम का ऑर्डर क्या होगा। थ्री ए, इसमें थ्री की मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर रख सकते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, चलो हम थ्री की मल्टीप्लाई, तो थ्री इंटू जीरो ज़ीरो, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व माइनस थ्री, और थ्री इंटू थ्री माइनस नाइन हो जाएगा, ये माइनस का थ्री है क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई एम मैट्रिक्स में करनी है। अब एम मैट्रिक्स जो है हमारी वो किस ऑर्डर की होगी ये हमें पता करना पड़ेगा, और टू इंटू बी करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, टू फाइव ज़ा टेन, माइनस का टेन होगा क्योंकि माइनस का फाइव है, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, ओके ये वैल्यू होंगी। अब ये जो एम मैट्रिक्स है ये भी इसी ऑर्डर की होगी, ये भी ऐसे किया हमने क्वेश्चन। कैसे? देखो टू इंटू टू है, इसके रो आर मान लेते हैं, कॉलम सी मान लेते हैं, इसकी रो और कॉलम कितनी है, इसकी टू रोज हैं और वन कॉलम है, तो इसमें क्या होगा टू, टू के इक्वल होना चाहिए, अंदर वाली वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तो आर की वैल्यू क्या होगी टू, और यहाँ पर टू इंटू वन होना चाहिए, तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए वन, तो टू इंटू वन होगी हमारी। तो सिंपल सी बात हमारे पास ये भी कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें नहीं पता, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही हमारे पास जो अननोन मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर आता है। तो यहाँ पे सिंपल जैसे हम बात कर रहे हैं इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि रो कितना जाएगी, आर की वैल्यू टू जाएगी, सी की वैल्यू कितनी जाएगी वन। सी की वैल्यू वन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो कितना होना चाहिए, टू इंटू वन होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स टू इंटू वन की होगी, तो इसलिए सी की वैल्यू हम कह लेंगे वन। तो इसलिए मैट्रिक्स एम का ऑर्डर हमें पता चल गया क्या, टू इंटू वन। तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें हम एलिमेंट ऐड कर लेंगे, टू इंटू वन मतलब ऐसी मैट्रिक्स दिखेगी, तो इसमें एक एक्स एक वाई ऐड कर लेंगे, और इसकी वैल्यू क्या माइनस टेन और ट्वेल्व। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट मैट्रिक्स बिल्कुल सेम इसके जैसा दिखेगा, मतलब उसमें टू रो और कॉलम होंगी हमारे पास, टू रोज और वन कॉलम होगा, टू रोज और वन कॉलम होगा, टू रोज और वन कॉलम होगा। इसका मीन्स उसके पास 2 एलिमेंट्स होंगे, एक यहाँ पर पुट होगा, एक यहाँ पर। इसको हम A11 बोलते हैं, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसे हम A21 बोलते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो A11 फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 × x 0 प्लस -3 × y, माइनस का 3 आएगा यहाँ पर, -3y। फिर A21 फाइंड करने के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, 12 × x 12x प्लस -9 × y, माइनस का 9y। ओके, ये किसके इक्वल, -10 12। अब हम क्या करेंगे इसमें, -3y किसके इक्वल, -3y -10 के इक्वल, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 10/3 एंड 12 - y। जिस दोनों ही y है इसमें, दोनों y कैसे हो गए, इसमें एक x होना चाहिए था ना, अच्छा इसमें फिर तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई है, यहाँ 12x आएगा ना, 12x होगा ना, 12 × x 12x और प्लस 9 × y माइनस का 9y, तो ये 12x होगा। 12x × 9y किसके इक्वल होगा, 12 के 12x माइनस 9 और y की वैल्यू कितनी है, 10/3 ऐसे पुट कर लेते हैं यहाँ पर, 10/3 इक्वल्स टू 12, यहाँ 3 3 से 9, तो ये 12x माइनस 3 10/30 इक्वल्स टू 12, ये हो जाएगा 12x। 30 इधर आकर कितना हो जाएगा, प्लस का 30, तो 12x किसके इक्वल, 42 के इक्वल। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42/12, किससे कैंसिल हो रहा है, 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 7 6 2 से, तो 7/2। ये कुछ इस टाइप की वैल्यूज़ आ रही है हमारी क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में x की वैल्यू आ रही है 7/2, या फिर कह सकते हो 3.5 भी कह सकते हो इसे हम। तो यहाँ पर आ रही है हमारी वैल्यू 7/2, x की वैल्यू और y की वैल्यू 10/3। लेकिन मैट्रिक्स जो M है हमारी, वो कुछ किस टाइप की दिखेगी आपको, कुछ इस टाइप की दिखेगी, जिसमें x की वैल्यू ये होगी हमारी और y की वैल्यू ये होगी 10/3। तो ये हो गई हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 6। सिंपल है बिल्कुल, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको ये रिलेशन गिवन किया और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC। सिंपल क्वेश्चन है तो प्लस माइनस वाला है, तो सिंपल प्लस माइनस कर देंगे मैट्रिक्स इसको और इनकी वैल्यूज आ जाएगी A 4 3 1। ओके, इसको प्लस किया गया है किसके साथ, 2 1 B और -2 के साथ, इक्वल -1 -2 एंड 1 C इक्वल्स टू 5 7 और 0 3। 5 7 0 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC। इसको सोल्व करेंगे हम कैसे, ABC की वैल्यूज हम यहाँ पर इनको रिलेशन बनाएंगे हम यहाँ पर, मतलब इनको प्लस माइनस करेंगे हम। प्लस माइनस कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को A11 और A11 को एक साथ ले सकते हैं हम, कैसे, A ये प्लस का 2 और ये माइनस का 1। फिर ये वाला एलिमेंट आएगा हमारा A12, इन सभी एलिमेंट को प्लस माइनस कर लेंगे तो 3 प्लस B और ये -1, एक साथ कर सकते हो आप डायरेक्ट। फिर इन सभी एलिमेंट्स को, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही प्लस माइनस होते हैं, तो 4 प्लस 1 और यहाँ पर माइनस और माइनस +2। फिर यहाँ पर हमारा क्या, 1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 2 और ये -C इक्वल्स टू किसके, 5 7 और 0 3 के। इनको सोल्व करेंगे अगर हम, A +/- तो हो जाएगा A +1, 4 प्लस 1 5 और 2 7, 3 और -1 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 3 ग्रेटर है। यहाँ पर 1 - 2 -1 और ये हो जाएगा हमारा -C, ये किसके इक्वल, 5 7 0 3। देखो ये तो एलिमेंट नोन है हमारे, तो इक्वल है ये हमारा, तो A +1 किसके इक्वल होगा हमारा, A +1 इक्वल होगा 5 के। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 5 - 1, A की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर B +2 किसके इक्वल होगा हमारा, B +2 होगा 0 के इक्वल, तो B की वैल्यू हो जाएगी -2। फिर यहाँ पर -1 - C किसके इक्वल होगा, -1 - C किसके इक्वल होगा, 3 के, तो -C किसके इक्वल हो जाएगा, 3 प्लस 1 और -C किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के, और C की वैल्यू हो जाएगी -4, C की वैल्यू -4 हो जाएगी। ओके, ये हो जाएगी हमारी A, B और C की वैल्यूज। सिंपल है हमारे क्वेश्चन, A की वैल्यू 4, B की वैल्यू -2 एंड C की वैल्यू -4। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 में ये मैट्रिक्स गिवन किया हमें और सिंपल इनका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको कि ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 2 1 एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या 2 1 एंड 1 2। ए बी फर्स्ट में क्या कह रहा है कि आपको फाइंड करना है ए फिर ब्रैकेट में बी इंटू ए। पहले हम बी इंटू ए फाइंड कर लेंगे, बी इंटू ए फाइंड करने के बाद फिर इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ बी ए कैसे फाइंड करोगे आप? तो बी ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बी ए हमारे पास 2 1 और यहाँ 1 2, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ 1 2 और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा a 1 1 कितना होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2। फिर सेकेंड ये होगा हमारा सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम होगा तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1। नाउ ये 2 1 होगा तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे हम 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4। फिर ये a 2 2 होगा तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेंगे हम 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 1 2। नाउ ये हो जाएगा हमारा 4 5 5 4। अब इसको हम यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। a हमारा कितना है 1 2 2 1 और b हमने अभी फाइंड किया कितना 4 5 5 4। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा तो रो इंटू कॉलम a 1 1 फाइंड करेंगे इसमें, फिर हम a 1 1 फाइंड करेंगे हम तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू 5 10। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 5 5 प्लस 2 इंटू 4 8। फिर a 2 1 फाइंड करेंगे हम तो क्या सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 इंटू 4 8 प्लस 1 इंटू 5 5। फिर यहाँ पर a 2 2 फाइंड करेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे हम तो यहाँ पर कितना होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 5 10 प्लस 1 इंटू 4 4। ओके अब इसको करेंगे अगर हम 4 इंटू 10 14 8 और 5 13 5 और 8 13 और 10 इंटू 4 14। तो सिंपल ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं सिंपल। तो सेकंड पार्ट में भी हमें इसी टाइप से करना है हमारा। तो क्या होगा सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड क्या करना है, सेकंड पार्ट में कह रहा है क्या फाइंड करना है आपको ए बी फिर इसको बी से मल्टीप्लाई करना है। पहले ए बी फाइंड करना है और फिर इसको बी से मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी फाइंड कर लेंगे सिंपल हम। ए बी फाइंड करेंगे कैसे, ए बी फाइंड करने के लिए हमारे पास ए बी की वैल्यू है ए मैट्रिक्स हमारे पास कितनी 1 2 2 1 1 2 2 1 और बी मैट्रिक्स क्या है 2 1 1 2 2 1 1 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 2। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लाई सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लाई 2 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 2 और 1 इंटू 2 2। ओके अब यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 2 और 2 4 4 और 1 5 1 और 4 5 और 2 और 2 4। ओके ये हो जाएगी वैल्यू हमारी 4 5 5 4। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बी से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। ए बी को बी से मल्टीप्लाई करना होगा तो ए बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 5 5 4 और बी की वैल्यू क्या है 2 1 1 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम कितना आएगा हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। रो इंटू कॉलम करेंगे 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 1 5। फिर यहाँ पर फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि a 1 2 होता है हमारा तो 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 2 10। फिर ये हमारा 2 1 होता है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 प्लस 4 1 4। फिर ये a 2 2 है तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 5 प्लस 4 2 8। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 और 5 13 और ये 10 और 4 14। ओके फिर ये 4 10 14 और ये 13। तो सिंपल ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट इसमें। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। सिंपल है हमारा। ऐसी क्वेश्चन नंबर हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो सिंपल ही क्वेश्चन है ये भी हमारे, बिल्कुल ऐसे ही हम इजीली सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।